दूजे पासे दिल्ली कांग्रेस ने भी उपराज्यपाल नाल मुलाकात करके मौजूदा हालातों बारे जानकारी दी है। इस तो बाद दिल्ली कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह लवली ने पत्रकारों नाल गलबात करदिआं केजरीवाल की कार्य प्रणाली से सवालिया निशान खड़े किए। तो हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेशन ये अनुरोध करने के लिए गया था कि मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए और दिल्ली पुलिस को यह डायरेक्शन देनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है और कानून के तहत जो भी कार्रवाई मंत्री जी के खिलाफ या और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बनती है उसको दिल्ली पुलिस को तुरंत करना चाहिए। हमने इस बात पे भी ऑब्जेक्शन किया है कि जब दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगाई हुई है तो उसका वायलेशन अगर सरकार में बैठे हुए लोग करें तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क सारी की सारे प्रशासन पे, सारी की सारी प्रणाली पे लगता है, क्योंकि जिस सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि सारे दिल्ली के लोग, सारे दिल्ली के नागरिक जो है वो कानून का पालन कराएं, अगर वही सरकार खुद कानून तोड़ने में लग जाएगी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि लोगों का विश्वास जो है वो कानून की प्रणाली के ऊपर से जो है उठेगा। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदी भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।